मेरे सहयोगी दीपक थे। दीपक, क्या उस तरफ क्या चल रहा है जरा बताइएगा। सर, उस तरफ भी इससे भयानक आग जो फैल रही है, उस तरफ भी इसी तरीके का मंजर बना हुआ है। दोनों पक्ष की बात करें तो दोनों ओर, क्योंकि जो डिवाइड हुए हैं दो बिल्डिंग है उसमें, और जो उनके डक है उनमें आग पकड़ी, उसके बाद लगातार आग फैलते जा रही है। और जैसे वहां के कर्मचारियों से बातचीत में उन्होंने बताया कि इनमें केमिकल रखा हुआ था। और शरद जी, सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में यह है कि 1 जून को ही ये 6वें बिल्डिंग फ्लोर का हेल्थ कमिश्नर ने उद्घाटन किया था, और आज 12वां दिन और 12वें दिन ये जलकर पूरी तरीके से राख हो गया है। तो हमने इसमें जब एडिशनल कमिश्नर हेल्थ से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया था कि अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कितना नुकसान होगा, और अभी भी इसमें रिनोवेशन का काम जारी था। बड़ी बात कह रहे हैं सर जी, एक बहुत बड़ी बात दीपक आप आइएगा। आप ये कह रहे हैं कि केमिकल इसमें रखा हुआ था, केमिकल है तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा। जी, केमिकल रखा इसलिए लगातार 3रे और 4थे और 5वें फ्लोर पर कागज रखे थे जिसके कतरन भी हमने बटोर के रखे, और हमने बताया भी था इससे पहले जो केमिकल रखा हुआ है, केमिकल में आग पकड़ने के कारण इसमें जो गोली दवाइयां तमाम केमिकल है, ये जो सीलिंग का काम हुआ था वो भी ताजा था, वो भी ज्यादा सूखा ना होगा, उसमें आग पकड़ने कारण 6ठा फ्लोर लगातार शरद जी 3 घंटे से जलता जा रहा है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है इस समय दर्शकों के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है दीपक ने। वाकई ये वाकई मनोज बहुत गंभीर बात है कि वहां पर सीलिंग भी नहीं सूखी है, और इन तमाम कारणों की वजह से ये आग भड़कती चली जा रही है, क्योंकि वहां पर दवाएं और केमिकल्स भी रखे गए हैं जो इस आग को भड़काने में सहायक हो रहे हैं।